अर्पिता चटर्जी नाम की एक यूजर ने एक तस्वीर ट्वीट करते हुए कहा कि इसे लिब्रांडुओं तक पहुंचा दिया जाना चाहिए। तस्वीर में एक महिला दिखाई देती है जिसके हाथ में एक तख्ती है जिस पर एक मैसेज लिखा हुआ है। ऐसी एक तस्वीर मार्च 2019 में शेयर की जा रही थी, लेकिन इस मौके पर हाथ में दिख रही तख्ती पर नरेंद्र मोदी के समर्थन में मैसेज लिखा हुआ था। ये व्हाट्सएप पर भी खूब वायरल हुई थी। ऑल्ट न्यूज ने जब पड़ताल की तो मालूम पड़ा कि 2019 में तख्ती पर लिखे जिस मैसेज के साथ ये तस्वीर वायरल हो रही थी, वो मैसेज असल में 2017 से फेसबुक और ट्विटर पर वायरल है। हमने जब गूगल पर रिवर्स इमेज सर्च किया तो हमें असल तस्वीर मिली। मालूम पड़ा कि इस पूरे मामले का इंडिया से कोई लेना देना ही नहीं है। हकीकत यह है कि इस तस्वीर को एडिट करके प्लाकार्ड पर पीएम मोदी के समर्थन में संदेश लिखा गया है। असली तस्वीर में छपे संदेश में लिखा है, आई एम मुस्लिम बट आई एम नॉट अरब, यानी मैं मुस्लिम से हूं लेकिन मैं अरब नहीं हूं। नीचे लिखा हुआ है UMWISA कैंपेन। हमने सर्च किया तो मालूम चला कि यह अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मैरी वॉशिंगटन के इस्लामिक स्टूडेंट्स एसोसिएशन की एक कैंपेन है जो कि रूढ़िवादी सोच के खिलाफ चलाई गई थी। फ्रांस की इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी AFP ने भी इसका फैक्ट चेक किया था और इस वायरल दावे को खारिज किया था। यानी अमेरिका की यूनिवर्सिटी में रूढ़िवादी सोच के खिलाफ चल रही कैंपेन में ली गई एक मुस्लिम महिला की तस्वीर को पहले तो एडिट किया गया, 2019 में उसे मोदी के समर्थन में बनाकर शेयर किया गया और बाद में दोबारा उसे एडिट कर 2020 में मुस्लिमों के ही खिलाफ मैसेज लिखकर शेयर किया गया।